अब बात पश्चिम बंगाल की, जहां शुभेंदु अधिकारी का इस्तीफा तकनीकी दाव पेच में फंस गया है। शुभेंदु को बीजेपी ने अपना बना लिया, लेकिन वो अब भी टीएमसी के विधायक बने हुए हैं। आखिर ऐसा क्यों? सवाल का जवाब रिपोर्ट से मिलेगा। शुभेंदु अधिकारी, वो नाम जिन्होंने 16 दिसंबर को टीएमसी विधायक पद से इस्तीफा देकर न सिर्फ बंगाल में सियासी भूचाल ला दिया, बल्कि टीएमसी में बीजेपी की सेंधमारी का सूत्रधार भी बन गए। लेकिन अब इनका इस्तीफा तकनीकी उलझनों में फंस गया है। शुभेंदु टीएमसी छोड़ चुके हैं, बीजेपी उन्हें अपना बना चुकी है, लेकिन आधिकारिक तौर पर उनकी पार्टी अब भी टीएमसी बनी हुई है, क्योंकि पश्चिम बंगाल के विधानसभा स्पीकर ने उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं किया है। संवैधानिक परंपरा कहती है कि विधायक अपना इस्तीफा स्पीकर को देगा, क्योंकि सदन का मुखिया स्पीकर होता है। लेकिन 16 दिसंबर को शुभेंदु ने अपना इस्तीफा विधानसभा के सचिव को सौंपा था। तब स्पीकर बिमान बनर्जी सदन में मौजूद नहीं थे। हालांकि बाद में शुभेंदु ने ईमेल पर विधानसभा अध्यक्ष को इस्तीफा भेज दिया था, लेकिन सचिव को दिए इस्तीफे पर तारीख नहीं थी और ईमेल पर तारीख के होने को भी स्पीकर ने संदिग्ध करार देते हुए इस्तीफा नामंजूर कर दिया। फिर भी स्पीकर बिमान बनर्जी ने आज दोपहर शुभेंदु को व्यक्तिगत तौर पर विधानसभा में आकर अपना इस्तीफा देने के लिए बुलाया है। हालांकि ये महज औपचारिकता भर है। शुभेंदु टीएमसी में नंबर 2 की हैसियत रखने वाले नेता थे, लेकिन अब बीजेपी के लिए तुरुप का इक्का है। और ये बात उन्होंने टीएमसी के 40 से ज्यादा बड़े नामों को एक ही दिन में बीजेपी में शामिल करा के साबित करा दी। बागियों में 9 विधायक, 1 मौजूदा सांसद, 1 भूतपूर्व सांसद और 15 पार्टी काउंसलर थे। शुभेंदु की इसी ताकत को बंगाल में बीजेपी जीत के लिए भुनाना चाहती है, और ये दाम लग गया तो फिर अप्रैल में विधानसभा चुनाव के नतीजे सबको चौंका सकते हैं। तो बात पश्चिम बंगाल की हो रही है, तो आप जानते ही होंगे कि गृह मंत्री अमित शाह 2 दिनों के बंगाल दौरे पर थे और कल उनके दौरे का आखिरी दिन था, और इस दिन को बीजेपी ने सुपर संडे बनाने में पूरी ताकत झोंक दी। दीदी के गढ़ में बीजेपी का मेगा शो टीएमसी के लिए मुसीबत ही खड़ी कर सकता है। जय श्री राम की गूंज और खचाखच भरी सड़क। अमित शाह कुछ इसी अंदाज में जब रविवार को रथ पर सवार होकर बंगाल के वीरभूम में रोड शो लेकर निकले, तो सियासी फिजा ही बदल गई। कहने को ये रोड शो महज 1 किलोमीटर का था, लेकिन इस 1 किलोमीटर में ही बीजेपी ने ये साबित करने की कोशिश की कि अभी तो शाह ने ट्रेलर दिखाया है, असली पिक्चर पीएम मोदी के दौरे पर दिखेगी। बीजेपी कार्यकर्ता और समर्थक जोश में थे और बीच बीच में अमित शाह इस जोश में और जान फूंक देते। समर्थक वही कह रहे थे जो शाह सुनना चाहते थे, या यूं कहें कि शाह वही पूछ रहे थे जिसका जवाब दीदी की खीज को बढ़ा दे, और यही पश्चिम बंगाल में बीजेपी की अब तक की सबसे बड़ी उपलब्धि है। बीजेपी के काउंटर अटैक में ममता बनर्जी ने भी बाहरी बनाम बंगाली को मुद्दा बनाया था, लेकिन आखिरी दिन शाह ने ये कह के दीदी की रणनीति की धार कुंद कर दी कि बीजेपी सत्ता में आई तो सीएम बंगाल का ही धरती पुत्र होगा। बंगाल में बीजेपी कई महीनों से सक्रिय है, लेकिन जेपी नड्डा के काफिले पर हमले के बाद आक्रामक हो गई है। आखिरी दिन शाह ने ये मुद्दा एक बार फिर से उठाया। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष पर यह हमला
केवल भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष पर हमला नहीं है, बंगाल के अंदर लोकतंत्र की जो व्यवस्था है उस पर हमला है और इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी तृणमूल कांग्रेस की सरकार की है, तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की। दीदी के गढ़ में शाह की ये दहाड़ बताती है कि अप्रैल में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी फुल कॉन्फिडेंस में है, लेकिन अति उत्साह में मामला हाथ से ना निकल जाए इसलिए शाह ने कार्यकर्ताओं को संयम से सत्ता का सफर तय करने का मूल मंत्र दिया। हिंसा का जवाब हिंसा नहीं हो सकता, मगर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने तय किया है हिंसा का जवाब हम लोकतांत्रिक तरीकों से देंगे और आने वाले चुनाव में इस सरकार को परास्त कर हम दिखाएंगे। अमित शाह राजनीतिक कुशलता के कितने धनी हैं, ये बात उन्होंने 2014 के लोकसभा चुनाव में यूपी की 73 सीटों को जीतकर साबित कर दिया था। पार्टी अध्यक्ष रहते हुए भी उन्होंने जीत के कई रिकॉर्ड बनाए और अब वो मिशन बंगाल पर निकले हैं तो मुकाबला रोचक हो गया है। ABP News, आपको रखे आगे।